सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन को हान क्यूइन ने शेंगमेंग ऑक्शन हाउस में जाने के लिए कहा था, क्योंकि वहां एक शॉट की नीलामी होने वाली थी। आओ चेन अपने सभी साथियों के साथ शेंगमेंग ऑक्शन हाउस में आ गया था। वहां की ऑक्शनर वे यांग थी, जो हान्यू की गर्लफ्रेंड होती है। तभी वहां स्टेज पर फेंग लिंगर भी आ गई थी, जो जियांग को काफी पसंद आई, और उसने सभी को बताया था कि यह लड़की बिल्कुल मेरे सपने की राजकुमारी की तरह है। यह छोटे फूल की तरह मासूम लगती है और वो उसकी यादों में खो गया था। जियांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि फेंग लिंगर सच में मौजूद है। हान्यू ने उसे एक चिमटी काटी थी। जियांग फेंग लिंगर को प्रपोज करने जा रहा था, पर हान्यू और लिन ने उसे रोक दिया था। हाओ चेन ने उसे बताया था कि ऑक्शन खत्म होने के बाद तुम उससे बात कर सकते हो। फेंग लिंगर ने सभी को उस गॉडेस ऑफ लाइट के शॉट के बारे में बताया था कि 200 साल पहले ब्राइट शॉट गॉड मर्चेंट ये वुशांग इस शॉट के मास्टर थे, जिन्होंने इस शॉट की मदद से 7 डिमन गॉड को मार डाला और डिमन गॉड एम्परर फेंग जियो को भी नुकसान पहुंचाया था। वह स्वॉर्ड वॉरियर टेंपल की पौराणिक तलवार थी, जिसे 1000 साल पहले से गॉडेस ऑफ लाइट के एरिया यानी गीत के रूप में जाना जाता था, पर इसके सेकंड मास्टर के मरने के बाद उस स्वॉर्ड ने खुद को सील कर दिया। ऑक्शन हाउस में मौजूद सभी लोगों ने उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की काफी कोशिश की, पर कोई भी उस स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पाया। लेकिन जब हाओ चेन उस स्वॉर्ड के पास आया तो स्वॉर्ड रिएक्ट करने लग गई थी। हाओ चेन भी खुश था कि गॉडेस ऑफ लाइट ने उसे अपनी शॉट गिफ्ट में दी है। हाओ चेन उस शॉट को निकालने लग गया था और उसे गॉडेस ऑफ लाइट नजर आई थी। फिर अब हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ लाइट हाओ चेन को बताती है कि इस शॉट पर एक सील लगी हुई है और वक्त आने पर यह सील अपने आप खुल जाएगी। उस वक्त तुम इस तलवार की असली ताकत देख पाओगे। लाइट तुम्हें आगे जाने का रास्ता दिखाएगी, लेकिन गॉड की ट्रू लाइट सिर्फ अंधेरे की गहराइयों में ही चमक सकती है। हाओ चेन पूछता है कि अंधेरे की गहराइयों में मेरे लिए क्या खास रखा हुआ है। गॉडेस ऑफ लाइट अब वहाँ से गायब हो जाती है और हाओ चेन को बताती है कि वहाँ एक ऊंचे गॉड का निशान है, जिस पर तुम्हारी प्रेजेंस मौजूद है। अब हाओ चेन उस शॉट को बाहर निकालने लगता है, जिससे हाओ चेन के पीछे गॉडेस ऑफ लाइट की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर ऑक्शन हाउस में सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक लेडी कहती है कि लड़का देवताओं की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। अब गॉडेस ऑफ लाइट हाओ चेन की बॉडी में समा जाती है, जिससे एक तेज एनर्जी निकलती है। ऑक्शन हाउस के बाहर भी गॉडेस ऑफ लाइट का प्रोजेक्शन दिखाई देता है, जिसे देखकर बाहर मौजूद सभी लोग अपने घुटने टेक कर गॉडेस ऑफ लाइट को रेस्पेक्ट देते हैं। अब हाओ चेन ने उस शॉट को भी बाहर निकाल लिया था। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान थे और कहते हैं कि इस लड़के को वाकई गॉड की ब्लेसिंग प्राप्त है। एक लड़की कहती है कि इस लड़के ने शॉट को कैसे बाहर निकाला होगा, जबकि बाकी सभी पावरफुल लोग भी इस शॉट को बाहर नहीं निकाल पाए। वे यांग शॉट के पिछले मास्टर ये वुशांग को याद करते हुए कहती है कि एंसेस्टर, आपकी डिवाइन शॉट आखिरकार अब आपस से रोशनी को देख पाएगी। हाओ चेन उस शॉट को चलाने लगता है, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि हाओ चेन टावर ऑफ इटर्निटी के ट्रायल मैच में फाइट कर रहा होता है। गॉडेस ऑफ लाइट शॉट काफी पावरफुल थी, जिससे एक ही स्लैश से सारे स्केलेटन खत्म हो जाते हैं और हाओ चेन इस ट्रायल को पास कर लेता है। जियांग ये देखकर काफी हैरान होता है और हाओ चेन से कहता है कि लीडर, आपकी तलवार काफी औसम है। हम कई दिनों से इस ट्रायल लेवल पर अटके हुए थे, पर तुमने अपनी शॉट के एक झटके से ही इन सभी को आसानी से खत्म कर दिया। हाओ चेन सोचता है कि यह शॉट गॉडेस ऑफ लाइट का एक गिफ्ट है, पर अभी भी ये शॉट वॉरियर टेंपल की पौराणिक तलवार है, इसलिए मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं खुद वॉरियर टेंपल में जाकर इस शॉट को इस्तेमाल करने की उनसे इजाजत मांगूंगा, ताकि युद्ध के मैदान में इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए काफी अच्छा होगा। अब हाओ चेन उस शॉट को अपनी रिंग में रख लेता है। अब हाओ चेन बाहर हॉल में अपने सभी साथियों से कहता है कि अभी हमारे पास काफी वक्त है, इसीलिए हम इस समय का इस्तेमाल टावर ऑफ इटर्निटी में ट्रेनिंग के लिए करेंगे। एक बार जब हम सभी की मन एनर्जी 6000 से ऊपर पहुंच गई तो हम डीमन हंटिंग टावर पर जाएंगे और एक मिशन को एक्सेप्ट करेंगे। हाओ चेन और उसके साथियों ने फर्स्ट फ्लावर के 5 लेवल को पार कर लिया था और अब उन्हें आखिरी 6 लेवल को पार करना था, जिसके बाद वो सेकंड फ्लोर पर ट्रेनिंग ले पाएंगे। हाओ चेन अपने साथियों को बताता है कि 6 लेवल फर्स्ट फ्लोर की फाइनल लेवल है। एक बार जब हम इसे पार कर लेंगे तब फाइनली टावर ऑफ इटर्निटी के सेकंड फ्लोर पर प्रवेश कर पाएंगे। अब वो सभी उस ट्रायल ग्राउंड में जाने लगते हैं, पर हाओ चेन के अंदर जाते ही वहाँ का गेट बंद हो जाता है।
हाओ चेन इससे हैरान हुआ, कहता है कि डोर अचानक बंद कैसे हो गया। बाहर भी सभी हैरान थे। शेनिन अपने डेगर से उस गेट पर अटैक करती है, पर वो गेट फिर भी नहीं खुलता। टाइनी वन शेनिन से कहता है कि तुम्हारे इस अटैक का कोई भी फायदा नहीं होगा, ये इस फ्लोर का फर्स्ट मास्टर ट्रायल है, इसीलिए इसमें मास्टर अकेले ही हिस्सा ले सकते हैं। हाओ चेन को उस ग्राउंड में अजीब सा गेट दिखाई देता है, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तभी हाओ चेन को एक आवाज आती है जो कहती है कि यंग मैन, फर्स्ट फ्लोर के मास्टर ट्रायल में तुम्हारा स्वागत है। हाओ चेन चारों ओर देखता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी उस जगह पर मौजूद सभी कैंडल अपने आप जलने लग जाती है। हाओ चेन हैरान हुआ सोचता है कि अभी तक हमने जितने भी ट्रायल को पास किया है, उनमें हमारे अपोनेंट पहले ही हमारे सामने आ जाते थे, पर अभी तक यहाँ कोई भी मेरे सामने क्यों नहीं आया। लगता है मुझे जिस अपोनेंट को आज हराना है, उसका संबंध जरूर गेट पर बने हुए स्टोन स्टेल से होगा। उस स्टोन स्टेल पर 7-12 गार्ड के चित्र थे, जो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे। बाहर टाइनी वन हाओ चेन के सभी साथियों को उन स्टोन स्टेल पर मौजूद होली गार्ड के बारे में बताता है कि ग्लोरियस एरा के दौरान 12 महान साधु इस दुनिया में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस दुनिया को इग्नोर किया और आम लोगों के कामों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, यानी उन्हें इंसानों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उन सभी होली गार्ड की पावर और बेयरिंग थी, जिससे इस दुनिया में कोई भी उनके एग्जिस्टेंस को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर ये सभी 12 होली गार्ड साथ में कोई एक्शन लेते, तो इस कॉन्टिनेंट पर मौजूद सारा जीवन इनके द्वारा खत्म कर दिया जाता। इसीलिए इन सभी 12 होली गार्ड के नाम का उल्लेख करना भी उस समय वर्जित था। उस समय केवल ग्रेट इलेक्ट्रोलक्स ही उन सभी को समर्पण करने के लिए मजबूर कर पाए। वो सभी होली गार्ड इलेक्ट्रोलक्स के प्रति वफादार हो गए थे। वो सभी इस दुनिया से बिना किसी निशान के गायब हो गए, क्योंकि वो लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स के साथ इस टावर ऑफ इटर्निटी में आ गए थे, जिस वजह से अब इस टावर में लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स के साथ 12 अंडेड गार्ड भी मौजूद है, जो इलेक्ट्रोलक्स का नेतृत्व करते हैं। और उन्होंने ग्लोरियस होली सी पर युद्ध की घोषणा की थी और पूरे ग्लोरियस एरा की सिचुएशन को उस वक्त पलट दिया था। हाओ चेन अभी जिस मास्टर ट्रायल में गया है, उसमें 2 गार्ड मौजूद है, जो 11वें और 12वें नंबर के होली गार्ड है। हाओ चेन को इस ट्रायल में उन दोनों का एक साथ सामना करना होगा। वो दोनों होली गार्ड एक साथ आतंक के अवतार और किंग वेन गार्ड के रूप में जाने जाते थे। ये सुनकर जियांग चौंक जाता है और कहता है कि लीडर उन दोनों होली गार्ड का सामना कैसे कर सकते हैं, जिनके पास 1000 साल पहले से इस पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह करने की पावर थी। क्या ट्रायल पास के रूल में कोई गलती नहीं है? टाइनी वन बताता है कि 12वां होली गार्ड ब्लेड स्किल में काफी अच्छा है। वो बचपन से ही आगे से खेलता आ रहा है, जिससे उसने अपनी बॉडी को अविनाशी बना लिया है और उसे हराना किसी के लिए भी काफी मुश्किल है। वही हाओ चेन भी उन स्टोन स्टेल से उन होली गार्ड के बारे में समझ जाता है कि इलेक्ट्रोलक्स के कभी ना मरने वाली सेना में शामिल हुए गार्ड से जिनकी पावर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी वहाँ उस ट्रायल ग्राउंड में आग चारों तरफ से हाओ चेन को घेर लेती है। हाओ चेन को कुछ समझ नहीं आता। तभी हाओ चेन के सामने मौजूद गेट एक्टिवेट हो जाता है और हाओ चेन पर एक फायर बॉल से अटैक होता है, पर हाओ चेन अपनी शील्ड को आगे करके उसे बच जाता है। अब हाओ चेन के सामने 12वां होली गार्ड आ जाता है, जिसे किंग वेन गार्ड के नाम से जाना जाता था। वो अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है। उसकी बॉडी में काफी तेज एनर्जी निकल रही थी। वह हाओ चेन की गर्दन पर शॉट को पॉइंट करता है, जिससे हाओ चेन काफी घबरा जाता है और वो सोचता है कि इस होली गार्ड का अपनी पावर्स पर काफी कमाल का कंट्रोल है। किंग वेन गार्ड हाओ चेन से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास हमारे मास्टर इलेक्ट्रोलक्स की विरासत क्यों मौजूद है। वो इटर्नल मेलोडी नेकलेस की बात कर रहा था, जो इलेक्ट्रोलक्स ने हाओ चेन को दी थी। हाओ चेन कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ 11वां होली गार्ड आ जाता है, जिसका बर्फ पर एब्सोल्यूट कंट्रोल था, यानी पूर्ण नियंत्रण था, और वो केवल आइस फ्लावर को तराशना जानता था। पर आइस से वो किसी भी चीज को खत्म कर सकता था और आसपास के सभी लिक्विड उसके वेपन की तरह होते हैं, जिससे वो आसानी से किसी को भी खत्म कर सकता है। उसे पाइनियर किंग के नाम से भी जाना जाता है। वो वेनगार्ड से कहता है कि अगर इस लड़के के पास इलेक्ट्रोलक्स का इटर्नल मेलोडी नेकलेस मौजूद है, तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने इस लड़के को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना है। किंग वेनगार्ड हाओ चेन से कहता है कि बच्चे, तुम हमारे मास्टर बनने के योग्य नहीं हो, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो हाओ चेन उसे कहता है कि सीनियर, पर तभी इतने में ही
वो एक और फायर बॉल से हाओ चेन पर अटैक कर देता है। हाओ चेन बचने के लिए अपनी शील्ड को आगे कर लेता है, पर वो अटैक काफी पावरफुल था, इसीलिए पायनियर किंग अपनी आइस पावर से उस फायर बॉल को फ्रीज करके हाओ चेन को बचा लेता है। पायनियर किंग वेनगार्ड से कहता है कि तुम इस बच्चे के साथ एक गेम क्यों नहीं खेलते, हम हजारों सालों से यहाँ सो रहे हैं और तुम भी काफी बोर हो गए होंगे, इसीलिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। किंग वेनगार्ड उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है एक गेम खेलते हैं। वह हाओ चेन से कहता है कि अगर तुमने मेरे एक अटैक का भी सामना कर लिया तो मैं तुम्हें अपने मास्टर के रूप में स्वीकार कर लूंगा। हाओ चेन कहता है कि सीनियर मैं आपसे सीखने के लिए काफी उत्सुक हूँ, और वो तेजी से उस पर एक पावरफुल स्लैश से अटैक करता है जिससे वहाँ तेज का होता है, पर वेनगार्ड को कुछ नहीं हुआ था जबकि उसने उस अटैक को रोका भी नहीं। हाओ चेन घबरा जाता है और सोचता है कि मैंने अपनी सारी एनर्जी को उस स्लैश में केंद्रित किया, पर फिर भी ये गार्ड बिल्कुल भी मेरी पावर से नहीं घबराया। अब वेनगार्ड प्लग झपकते ही हाओ चेन पर अटैक कर देता है। हाओ चेन उस अटैक को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। हाओ चेन खुद को संभालता है। वेनगार्ड कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, हार मान लो, वरना अगर एक बार मेरा धैर्य खत्म हो गया तो मैं तुम्हें काफी चोट पहुंचाऊंगा। और वो तेजी से हाओ चेन पर अटैक करने आता है। हाओ चेन अपनी शॉट से उसके अटैक को रोकने लगता है, तो वेनगार्ड उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो भी स्किल है उसका मुझ पर इस्तेमाल करो। हाओ चेन उससे फाइट करने की काफी कोशिश करता है, पर किंग वेनगार्ड काफी पावरफुल था और हाओ चेन को तेजी से मार रहा था। हाओ चेन उसके एक भी अटैक को झेल नहीं पाता और कमजोर हो जाता है। वेनगार्ड उसे कहता है कि तुम्हारी पावर काफी कमजोर है, फिर भी तुम मेरे मास्टर बनना चाहते हो। हाओ चेन अब वापस से उस पर अटैक करने लगता है और उसे फाइट करने लगता है। वेनगार्ड उस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे हाओ चेन दूर जाकर एक पिलर से टकरा जाता है। पायनियर किंग हाओ चेन से कहता है कि मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे पास काफी पोटेंशियल है। हाओ चेन अब अपने डिफेंस पर ध्यान नहीं देता और अपनी शील्ड को भी वापस रख लेता है। वो पूरे जोश के साथ वेनगार्ड पर अटैक करने आता है और अपनी क्रिएशन ब्लेड स्ट्राइक से वेनगार्ड पर पावरफुल अटैक करता है, पर वेनगार्ड आसानी से उस अटैक को रोक लेता है और वो हाओ चेन को अपनी सोर से मारकर दूर कर देता है। पर हाओ चेन हार नहीं मानता और अपनी कंडेमनिंग रिवॉल्विंग सोर टेक्निक से उस पर अटैक करता है जिससे वेनगार्ड एक वोर्टेक्स में फंस जाता है। वेनगार्ड कहता है कि एक सिंपल कीड़े की सिंपल टेक्निक है और वो हाओ चेन पर अपने एक अटैक से ही उस टेक्निक को खत्म कर देता है। हाओ चेन इससे दूर हो जाता है। किंग वेनगार्ड कहता है कि तुम्हारे पास और कौन सी स्किल है, तुम बेझिझक उसका मुझ पर इस्तेमाल कर सकते हो। हाओ चेन अब अपने असुरा स्लेस को एक्टिवेट कर लेता है और वेनगार्ड पर पावरफुल अटैक करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। पायनियर किंग हैरान हुआ कहता है कि लड़का इस मुंह को भी जानता है, इस असुरा स्लेस को वेनगार्ड नहीं बनाया था जिससे वो लड़ रहा था। वेनगार्ड हाओ चेन की शॉट को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारा असुर स्लेस मेरे स्लेस के आसपास भी नहीं है, अब मैं तुम्हें असुरा स्लेस की असली पावर दिखाऊंगा। और वो अपने ट्रू असुरा स्लेस को एक्टिवेट करता है और हाओ चेन पर उस असुरा स्लेस से अटैक कर देता है। हाओ चेन उस स्लेस का सामना नहीं कर पाता, यानी वो इस अटैक से मर सकता था, इसलिए चैलेंज फेल्ड हो जाता है। हाओ चेन टेलीपोर्ट होकर वापस हॉल में आ जाता है। हाओ चेन काफी कमजोर हो चुका था, शेनिन और बाकी सभी उसके पास आकर उसे संभालते हैं। हाओ चेन कहता है कि आज मुझे पता चला कि मरने का एहसास कैसा होता है। शेनिन हाओ चेन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। हाओ चेन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हाओ चेन हार नहीं मानना चाहता था और उसे कुछ भी करके इस ट्रायल को पास करना था। वो वापस से उस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए जाने लगता है जिससे सभी हैरान होते हैं। टाइनी वन भी हाओ चेन से कहता है कि मास्टर आपको पहले कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि मरने के एक्सपीरियंस को कोई भी नॉर्मल इंसान सहन नहीं कर सकता। पर हाओ चेन उसकी नहीं सुनता, उसे खुद पर पूरा विश्वास था कि वो वेनगार्ड को हरा सकता है और वो उनसे फाइट करके ही वो पावरफुल बन सकता था। हाओ चेन वापस से उस ट्रायल रूम में चला जाता है जहाँ पहले ही वेनगार्ड और पायनियर गार्ड खड़े हुए थे। हाओ चेन उन्हें कहता है कि सीनियर मैं फिर से फाइट के लिए तैयार हूँ। पायनियर किंग गार्ड कहता है कि लड़का वाकई काफी दिलचस्प है। वेनगार्ड तेजी से हाओ चेन पर अटैक करने आता है। हाओ चेन काफी मुश्किल से उसके अटैक से बचने लगता है। वेनगार्ड के अटैक काफी फियर्स थे। हाओ चेन कहता है कि यह सचमुच मुझे मारना चाहता है। पायनियर कहता है कि तुमने उस कमजोर असुरा स्लेस को उसके क्रिएटर के सामने इस्तेमाल करने का प्रयास किया, इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तुम्हें मारना चाहता है।
जाता है। हाओ चेन इससे हैरान होता है कि वेनगार्ड ने ही असुरा सिलेश की रचना की थी। अब वेनगार्ड वापस से असुरा सिलेश हाओ चेन को मार देता है, जिससे हाओ चेन वापस से ट्रायल रूम के बाहर आ जाता है। हाओ चेन के दोस्त इससे काफी परेशान होते हैं, उन्हें हाओ चेन की काफी फिक्र हो रही थी। हाओ चेन कहता है कि मैं ठीक हूँ और वो वापस से फाइट करने के लिए चला जाता है और वापस से वेनगार्ड से फाइट करने लगता है। लेकिन हाओ चेन उसके असुरा सिलेश को संभाल नहीं पाता और वो बार बार इस ट्रायल में फेल हो रहा था। लिन को हाओ चेन की फिक्र हो रही थी, पर अब शेन इन भी समझ चुकी थी कि हाओ चेन ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो इस ट्रायल को पास करके रहेगा, इसीलिए वो लिन को कहती है कि तुम उस पर भरोसा रखो। हाओ चेन अब भी वेनगार्ड के असुरा सिलेश को समझ नहीं पा रहा था और हर बार उसे नाकामयाबी हाथ लग रही थी। हाओ चेन काफी बार हारने के बावजूद भी हार नहीं मानता और वापस से ट्रायल ग्राउंड में चला जाता है। वो सोचता है कि वेनगार्ड का असुरा सिलेश काफी स्ट्रॉन्ग है। जब ये असुरा सिलेश को एक्टिवेट करता है तो इसके चारों ओर काफी तीर ओरा होता है, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असुरा सिलेश इतना पावरफुल क्यों है। हाओ चेन वापस से असुरा सिलेश से मारा जाता है, पर अब वो वेनगार्ड के असुरा सिलेश को समझ चुका था। वो कहता है कि अपनी एनर्जी को जल्दी से रिलीज नहीं करता, बल्कि इससे एक पावरफुल असुरा सिलेश को कंडेंस करता है। हाओ चेन भी अब अपने ओरा को फैलाता है और उस सिलेश की फोर्स को कंट्रोल करके असुरा सिलेश को बना लेता है, जिसकी एनर्जी काफी कंसंट्रेटेड थी। वेनगार्ड जब उस पर असुरा सिलेश से अटैक करता है तो हाओ चेन भी अपने असुरा सिलेश से उस पर अटैक करता है। हाओ चेन का असुरा सिलेश इतना पावरफुल था कि वो वेनगार्ड के असुरा सिलेश को ही काट देता है, जिससे वेनगार्ड हैरान हो जाता है और कहता है कि यह लड़का वाकई टैलेंट से ब्लेस्ड है, ये काफी जल्दी किसी भी टेक्निक को सीख लेता है। हाओ चेन भी सोच रहा था कि मैंने अपने असुरा सिलेश को इतना पावरफुल कर लिया कि मैंने इससे उस आदमी को हरा दिया जिसने असुरा सिलेश को बनाया था, पर इसमें मुझे काफी सारी मेहनत लगी। तभी हाओ चेन पर पीछे से एक और असुरा सिलेश से अटैक होने लगता है। वेनगार्ड आगे आकर अपने हाथ से ही उस असुरा सिलेश को रोककर खत्म कर देता है। हाओ चेन ये देखकर हैरान होता है और कहता है कि वेनगार्ड ने पहले ही असुरा सिलेश का एक बैकअप मुंह तैयार कर रखा था, पर इसने मेरे लिए अपने हमले को क्यों रोका। वेनगार्ड अब अपनी पावर से ऊपर आसमान में उड़ जाता है और हाओ चेन को बताता है कि तुम काफी जल्दी ट्रू असुरा सिलेश को एक्टिवेट करने में सक्षम हो गए और तुम लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हो जिसने मेरे असुरा सिलेश को रोका हो। तुम वाकई काफी अच्छे हो। और अब वो हाओ चेन को भी हवा में उठाने लगता है और हाओ चेन को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार कर लेता है। वो अपनी काफी सारी एनर्जी को हाओ चेन की बॉडी में डालता है। हाओ चेन महसूस करता है कि उस पावर की वजह से उसकी सारी चोटें और उसकी मन एनर्जी भी रिस्टोर हो गई है। हाओ चेन अब नीचे आ जाता है और वेनगार्ड को इसके लिए थैंक्स कहता है। वेनगार्ड कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम अब पायनियर से भी एक दो चीजें सीख सकते हो। हाओ चेन अब पायनियर को रेस्पेक्ट देकर कहता है कि मैं अब आगे आपसे भी सीखने के लिए काफी क्यूरियस हूँ। पायनियर अपने हाथ से आइस का एक फ्लावर क्रिएट करता है और हाओ चेन से पूछता है कि लड़के क्या तुम जानते हो कि ये क्या चीज है। हाओ चेन कहता है कि बर्फ से बना हुआ एक फ्लावर है। पायनियर बताता है कि भले ही ये फ्लावर दिखने में काफी छोटा हो, पर इसकी पोटेंशियल यानी संभावनाएं काफी ज्यादा है। बर्फ पानी का ही ठोस रूप होता है और जली जीवन है जो जिंदा रहने के लिए काफी आवश्यक होता है, यानी पानी के अंदर ही इस दुनिया की सभी घटनाएं समाई हुई है और यही वो एसेंस है जो मुझे इलेक्ट्रोलक्स का अनुसरण करने के बाद समझ आया और मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरे इस फ्लावर को सहन करने में सक्षम होगे। हाओ चेन इससे परेशान होता है, पर ये सीन यही कट हो जाता है और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। बाहर हॉल में सभी हाओ चेन के ट्रायल रूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और टाइनी वन अभी भी हाओ चेन की मूर्ति को बनाने में लगा हुआ था। तभी गेट ओपन होता है और हाओ चेन बाहर आ जाता है। हाओ चेन ने उस ट्रायल को पास कर लिया था। सभी लोग हाओ चेन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसके पास जाने लगते हैं, पर तभी हाओ चेन के अंदर से तेज आइस ओरा निकलने लगता है जिससे जियांग नीचे गिर जाता है। हाओ चेन अब उस आइस फ्लावर को सभी लोगों को दिखाता है। पायनियर ने भी हाओ चेन को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिससे हाओ चेन खुश था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।